नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। दोस्तों, अगर आप इस दौरान कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है और वो विकल्प है आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी का। जी हाँ, आप आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी लेकर अपने लिए एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि आखिरकार आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी ली कैसे जा सकती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल आधार कार्ड की जो फ्रेंचाइजी है उसको लेने के लिए आपको एक लाइसेंस मिलता है और उस लाइसेंस को लेने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। पूरा एग्ज़ाम क्या होता है वो आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं। ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो कि UIDAI सर्टिफिकेट लेने के लिए देना होता है और जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको आधार एनरोलमेंट और बायोमेट्रिक के लिए वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अब आपको आधार कार्ड केंद्र के लिए आवेदन करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC में खुद को और इसके लिए जिन मशीनों की ज़रूरत होती है उन सभी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद आपको केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त होगी और फिर आप ये सेंटर खोल सकते हैं। तो चलिए, तो कैसे सेंटर खोला जा सकता है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लाइसेंस कैसे मिलेगा। सबसे पहले NSEIT की वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आप क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करें। अब एक XML फाइल ओपन हो जाएगी। इसका इस्तेमाल आपको ऊपर बताई गई जगह पर करना है। अब आपको शेयर कोड एंटर करने के लिए कहा जाएगा। XM फाइल और शेयर कोड के लिए आप आधार की वेबसाइट https://resident.uidai.gov.in ऑफलाइन KYC पर जाकर अपना ऑफलाइन ई आधार डाउनलोड करें। यह लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे तो XML फाइल और शेयर कोड दोनों डाउनलोड हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल आपको ऊपर बताई गई जगह पर करना है। अब एक और फॉर्म आएगा जिसमें आपको कुछ पर्सनल जानकारी देनी है। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे। इनसे आप आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन के पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें मांगी गई जानकारी सही सही भरें। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अब आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आराम से देखें कि आपने फॉर्म में जो जानकारी दी है वो पूरी तरह सही है या नहीं। अब डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक लगाकर प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पर क्लिक करें। इस तरह से आपका आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए आवश्यक लाइसेंस के लिए आवेदन हो जाएगा। और क्योंकि अब सरकार ने आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी फ्री में देने का फैसला किया है तो ऐसे में आपको किसी तरह से कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई हिडन चार्जेस इसके लिए नहीं है। अब लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करना है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन सफ़र यहीं खत्म नहीं होता है। अब बारी आती है कि UIDAI का एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या करना होगा। आपको बता दें कि जब आप आवेदन कर देंगे इसके बाद 24 से 36 घंटे तक आप इसमें लॉगिन ना करें और ये समय निकल जाने के बाद इसमें आप लॉगिन करें। यहाँ आपको एग्ज़ाम की जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले अब बुक सेंटर पर क्लिक कर अपने पास के सेंटर के नाम पर क्लिक कर दें। सेंटर के साथ ही आप अपने हिसाब से डेट और टाइम भी चूज़ कर लें और उसके बाद उसी समय में आपको यह एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में बैठने के लिए एडमिट कार्ड भी आपको यहीं से मिल जाएगा। अब बस और कुछ नहीं, एग्ज़ाम पास करना है और एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा और हाँ, आपका नया बिज़नेस भी शुरू हो जाएगा। लेकिन बिज़नेस जब भी शुरू करेंगे हमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हमारा शुक्रिया अदा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे न्यू यूज़र हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आपको ऐसी ऐसी नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसके अलावा आप हमारा बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। कमेंट बॉक्स पर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी आपको टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। बाय। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।